एक आदमी बचपन से एक इच्छा होती है कि मैं कुछ बनूं, तो दो ही चीज़ हमारे को सीखने को मिली थी कि एक हार्ड वर्क करो, एक स्मार्ट वर्क करो। अकेला हार्ड वर्क काम नहीं करता, और उसके साथ स्मार्ट वर्किंग भी चाहिए। दिमाग में बैठ गया हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। पिताजी ने कहा कि बेटा, हमने तो अपनी काट ली, आप लोगों को बहुत कुछ करना है। गाँव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम से, तो आप सोच सकते हो कि कितना क्या वहाँ होता होगा, और वो भी हरियाणा के अंदर। पर जब मैंने कहा कि हार्ड वर्क भी मैं कर लूँगा, स्मार्ट वर्किंग भी कर लूँगा, तो पिताजी बोले ये दोनों एनफ नहीं है भाई। तो उन्होंने एक चीज़ कही, वो मेरे को आज तक, और जिसके कारण आज जब खड़े हैं, दैट इज़ द थिंग ही हैज़ मेड अस हियर। उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल ग्रोथ लाइफ, ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्किंग से you can make only 10%, and if you want 100% and ki left over 90%, these things only you can make 10%, and that how you will make 10%, and if you want 100%, you have to take 90%. Making it only 10% and taking only 90%, ye aapko keval base 10% ka diye ki hard work smart work, aur 90% aapko you have to take it further. मैं बोला वो क्या है, वो 90% की कहानी क्या है? देन ही सेड कि जिस तरह से एक मनी प्लांट, वो उसकी फितरत में बढ़ना है। आप मनी प्लांट को यदि उगा दोगे तो वो एवरी डे आप नापते रहोगे तो बढ़ता जाएगा, उसकी फितरत में बढ़ना है, पर वो चढ़ेगा नहीं जब तक रास्ते में उसके कोई पेड़ नहीं आएगा। चढ़ने के लिए पेड़ चाहिए, और पेड़ जब आएगा किसी ने पेड़ उगाया हो। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपका फितरत में बढ़ना है, कभी कमज़ोर नहीं होगे। किसी आदमी ने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किया, वो आज 1 लाख के पैकेज पे है, वो कभी 10 के पर पहुंच जाएगा, बट वो एक तरह से चढ़ेगा नहीं, 1 से 1 करोड़ पे नहीं होगा। उसके लिए आपको पेड़ बोना पड़ेगा। तो पेड़ जब तक नहीं उगाओगे, और वो भी अच्छा पेड़, तो वो आप पे चढ़ नहीं पाओगे। ये दिमाग में बैठ गया कि पेड़ उगाना है, पेड़ उगाना है। और 1980 में भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के बाद दिमाग में रहा कि यार कौन सा मौका मिलेगा कि मैं पेड़ उगाऊं, क्योंकि मेरे को चढ़ना था, बढ़ना नहीं था, चढ़ना था। एक नौकरी मिल गई सरकारी, आप बढ़ते तो रहो, आप छोटे से रैंक से बड़े रैंक पे कभी तो पहुंचोगे, मगर मेरे को दिमाग में क्या था, बढ़ना था। साहब 5-6 साल के बाद मौका मिला एक VRS लेने का, और वहाँ पर जो एक धनराशि मिली भारतीय वायुसेना से 40-44 हज़ार रुपये की, वो वार वीडियो को देकर 1 रुपया ले लिया, और पिताजी से कहा कि पिताजी मैंने पेड़ सही उगा दिया। बोला बेटा तुमने पेड़ को उगा दिया, और वो पेड़ मैंने वहाँ पर 86 में पूरा भारतीय वायुसेना को एज ए FDR करके, आई डोंट सी इट इज़ अ डोनेशन, मैंने वो फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया एक तरह से मेरे खाते में, और उससे मेरा पेड़ गुना हो गया। वही पेड़ 87 में जब मैं वापिस आया भारतीय वायुसेना छोड़ के, वहीं का एक अफसर आकर बोलता, रमेश तुम्हारे साथ डिनर करना है। अरे इतने लोग जाते हैं डिफेंस को छोड़कर, मेरे को कैसे सेलेक्ट किया? क्योंकि उसने वो भूरी भूरी बड़ाई सुनी थी उस दिन, जिस दिन विदाई दी थी, और जिस दिन मैंने वो FDR कराई थी मेरे 44 हज़ार रुपये की, यानी कि डोनेशन दिया था वार विडो फंड के अंदर, तो वो एक भूरी भूरी उसके दिल में बैठी हुई थी। और उसके कारण उन्होंने डिनर के लिए बुलाया, एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल है वहाँ हैदराबाद में, और उसने कहा कि क्या करते हो? बोला जी झक मारता हूँ। बोला क्या मतलब? बोला कोई काम ही नहीं मिला, अभी 6 महीने 8 महीने हो गए भारतीय वायुसेना छोड़ी, तो एक काम कर, इतना बड़ा स्टेशन पड़ा है, हर हफ्ते में कोई ना कोई एक ऑफिसर शिफ्ट करता है, और तुम्हारे घर में 2 ट्रक भी है पिताजी के पास, तो बोल रहा था। बोला हाँ है, और इनका घर सामान शिफ्ट करना शुरू कर दे। बोला जी आता तो नहीं? अरे कुछ नहीं, आ जाएगा। और उन्होंने
वहाँ मेरे को वहीं बिठाकर कहा कि अब हाँ बरकर जा, एंड आई स्टार्टेड, और मैंने नाम रख दिया अग्रवाल पैकर मूवर्स, और मेरा वो पेड़ बनना शुरू हो गया और यहाँ पर खड़ा कर दिया। दोस्तों पेड़ बोना पड़ेगा जब तक एंटरप्रेन्योर की सपना नहीं लो। हार्डवर्क स्मार्ट वर्किंग आपको कमज़ोर नहीं होने देंगे, बढ़ते जाओगे, पर चढ़ना है तो पेड़ बोना पड़ेगा। कहानी यहाँ से शुरू होती है। आप जितने एंटरप्रेन्योर बैठे हो सोच लो कि कैसे पेड़ बोना, आप अपने लिए करोगे तो वो बढ़ना बढ़ना रहेगा, थोड़ा सा दूसरा हटकर करोगे समाज देश सोसाइटी तो साहब वो आपका पेड़ आपको कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। जितने भी एंटरप्रेन्योर बैठे हैं इनकी कहानी में जरूर इन्होंने पेड़ बोया होगा तब यहाँ बैठे हैं, बिना पेड़ बोए कोई चढ़ नहीं सकता। मेरे को इतना ही कहना है, बाकी तो